महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने बताया कि महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क पर खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है, क्योंकि सड़क पर वाहन खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक बाधित होता है। लोगों से पार्किंग स्थल पर वाहन को खड़ा करने के लिए बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग सड़क के किनारे ठेले खोमचे लगाकर सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको हटवाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात पुलिस का सहयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन सुगम रखा गया है। 11 जुलाई का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले काली मंदिर से कचहरी चौराहे तक अभियान शुरू किया गया था। आज ये अभियान उसके आगे कचहरी चौराहा, शास्त्री चौराहा, बीतिहाता, आगे हनुमान मंदिर तिराहा तक किया जा रहा है, जिसके तहत रोड पर फोर व्हीलर या टू व्हीलर वाहन जो काफ़ी घेर कर खड़ा कर रहे हैं, पार्किंग में नहीं खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर जो लोग पूरी लेन घेर कर खड़ा हो रहे हैं, उनके खिलाफ किया जा रहा है। बाकी जो अस्थायी अतिक्रमण करके सड़कों पर ठेले खोमचे और अपनी दुकानें बढ़ा के लगा रहे हैं, जिससे आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। इस संबंध में आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है कि यातायात पुलिस का सहयोग प्रदान करें, जिससे कि हम एक बेहतर यातायात व्यवस्था गोरखपुर महानगर में दे सकें। उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत चालान जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।